नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने हाल ही में शादी की है। अब एक इंटरव्यू में कपल ने शेयर किया कि उन्होंने अपनी शादी के प्लान पर सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा से कैसे बात की थी। इस बारे में एक इंटरव्यू में बात करते हुए जहीर ने कहा, मैं जब सोनाक्षी के घर गया तो काफी नर्वस था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी उनके पिता से आमने सामने बात नहीं की थी। हालांकि जब हमने एक दूसरे से बात करना शुरू किया तो कुछ ही देर में दोस्त बन गए। मैंने उन्हें बताया कि मैं सोनाक्षी से शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। उस मुलाकात में मुझे वो बेहद सच्चे और शांत लगे। वो बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं। वहीं इस बारे में बात करते हुए सोनाक्षी ने कहा, जब मैंने पापा को हमारे बारे में बताया तब मैं भी बहुत नर्वस थी। मुझे नहीं पता था कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं बहुत कूल बनकर उनसे बात करने पहुंची। मैंने उनसे कहा, आप मेरी शादी को लेकर चिंतित नहीं हैं क्या, क्योंकि आपने अभी तक मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की है। उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने इस बारे में मेरी माँ से बात की थी। फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरी लाइफ में एक जहीर नाम का लड़का है। वो बोले, हाँ मैंने इस बारे में भी पढ़ा था। सोनाक्षी ने आगे कहा, फिर पापा बोले कि आप लोग बड़े हो चुके हो और जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मैंने सोचा कि वाह, ये कितना आसान था। मुझे फील हुआ कि पापा कितने चिल्ड आउट और कूल हैं। वो हमारे रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। सोनाक्षी और जहीर की शादी से पहले चर्चा थी कि ना तो शत्रुघ्न सिन्हा को इस शादी के बारे में जानकारी थी और ना ही वो इस रिश्ते से खुश थे, पर उनके वेडिंग फोटोज कुछ और ही बयां करते हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।